नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कुंडलिनी शक्ति पर। जिद्दू कृष्णमूर्ति कुंडलिनी पर कुछ ज्यादा बात करते नहीं, सिर्फ मुझे दो वीडियो ऐसी मिली जिसमें वो सीधे सीधे कुंडलिनी क्या है इस पर बात कर रहे हैं। एक वीडियो में तो जब उनसे ये सवाल किया गया योग और कुंडलिनी को लेकर, तो वो उस सवाल के लिए सीधे सीधे बोले, फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस, यानी कि कुछ जो इससे पहले सवाल था वो बहुत गहरा होगा और अब ये कैसा रिडिकुलस, बचकाना, बेवकूफाना सवाल है योग और कुंडलिनी को लेकर। एक दूसरी वीडियो में वो कहते हैं वो कुंडलिनी के ऊपर बात करना नहीं चाहते। वो कहते हैं एक ऐसी ऊर्जा के बारे में जरूर जो हर ऊर्जा के स्रोत के पार है, लेकिन कहते हैं मैं कुंडलिनी ऊर्जा के ऊपर ज्यादा बात करना नहीं चाहता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज कुंडलिनी और चक्रों के बारे में फैले जितने भी भ्रम हैं उनको मिटा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कुंडलिनी शब्द पहले कहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो ये आखिरी वीडियो हो, इसके बाद आप कुंडलिनी के ऊपर कोई और ऐसी वीडियो या किताब भी ना पढ़े, सब साफ हो जाए। और अगर नहीं सुना तो प्लीज आप इस कुंडलिनी के झंझट में मत पड़ो। ये कुछ नहीं है, ये ग्लोरीफाई किया गया है, इसकी छवि को बढ़ा चढ़ा कर इस लायक बना दिया गया है ताकि ये बिक सके। जिद्दू कृष्णमूर्ति कुंडलिनी के ऊपर क्या बोलते हैं ये मैंने आपको बताया, इससे ऊपर वो कहीं नहीं बोलते। कुंडलिनी को जिद्दू कृष्णमूर्ति ने हद से हद अपने जीवन की 15-20 मिनट दी होंगी। कुंडलिनी के आसपास इतने मिथक हैं कि लोग बहुत भ्रम में रहते हैं इसको लेकर कि ये क्या है। और फिर आपको YouTube पर तरह तरह की वीडियो मिल जाएंगी कि हमारी कुंडलिनी जाग गई, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, और होता कुछ है नहीं, सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए। अब कुंडलिनी है क्या, इसके लिए मैं अपना अनुभव और अपना अध्ययन दोनों आपको कहने जा रहा हूं। हठ योग जो कि तंत्र का एक हिस्सा है कुंडलिनी की बात करता है। हठ योग की दो पुस्तकें हैं, हठ प्रदीपिका और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इनका अध्ययन मैंने किया कि इनमें कुंडलिनी को लेके क्या विवरण है। हठ प्रदीपिका ये कहती है कि समस्त योग और तंत्र का आधार कुंडलिनी शक्ति है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये कहती है कि ये प्रबुद्ध है, अप्रबुद्ध है, यानी जागी हुई है, सोई हुई है, और ये योगियों के समस्त कष्टों का निवारण करते हुए उद्वगामिनी यानी ऊपर की ओर बढ़ती है। हठ प्रदीपिका में ऐसा भी विवरण मिलता है कि कुंडलिनी जग जाने से योगी काल के पार हो जाता है। अब ये शब्द ऐसे हैं, इनका कैसा भी आप व्याख्या कर दो, ऐसी व्याख्या कर दो कि सामने वाला शब्दों पे ही मोहित हो जाए। ऐसा हो भी रहा है, लोग शब्दों पे मात्र मोहित हो रहे, अनुभव की कोई बात नहीं करता। कुंडलिनी है क्या, शब्द का क्या अर्थ है, यानी घुमावदार कुछ बैठा है कुंडली मार के। अब ये प्रतीक है, ऐसा कुछ है नहीं, आपको मिलेगा नहीं, आप शरीर काटो तो उसमें कुंडलिनी शक्ति कहीं मिलेगी नहीं कि रखी हुई है कुंडली मार के, वो बस प्रतीक मात्र है। कुंडलिनी शक्ति बस प्रतीक मात्र है आपकी ऊर्जा का। ऊर्जा सभी में है, आप में और मुझ में, हर किसी में ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का प्रतीक मात्र है कुंडलिनी। अब वो कुंडलिनी शब्द क्यों दिया, क्योंकि वो ऊपर को बढ़ेगी, जागेगी, तो कुंडली मार के बैठी हुई होगी तभी जागेगी सांप की तरह। अब पुराने जमाने के लोग थे, सांप को प्रतीक उन्होंने बना दिया। आज के जमाने में मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने सांप देखा भी हो, लेकिन पहले सांपों के देखे जाने की बात बहुत आम रही होगी, तो वो ही उन्होंने प्रतीक भी दिया, सादा सिंपल। कहा गया है कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र से होती हुई सहस्त्रार पर आती है। जब वो सहस्त्रार में शिव से मिलती है तो योगी मोक्ष को पा लेता है। अब ये है क्या, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कुंडलिनी जागेगी कैसे, मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूं कि कुंडलिनी है क्या, कि आप एक बार देख लो ये वीडियो तो आपको दोबारा कभी भ्रमित होना ही ना पड़े।
हमने बात की कि कुंडलिनी एक शक्ति है, ऐसा कहा गया है वो मूलाधार में है, मूलाधार चक्र है जो लिंग के नीचे जिसका स्थान बताया जाता है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। सोई हुई का क्या मतलब है कि वो वहीं है, जागेगी तो ऊपर को बढ़ेगी, मूलाधार से ऊपर वाले चक्र में आएगी। सोई हुई का मतलब है कि वो वहीं है। शिव संहिता में इन चक्रों का वर्णन मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि इन चक्रों से होती हुई वो कुंडलिनी ऊपर को बढ़ती है। ये कुंडलिनी मूलाधार में निवास करती है, मूलाधार के स्तर पे। ये स्तर है, ये सात चक्र स्तर है जीवन के। ये शरीर में आपको काटने से शरीर मिलेंगे नहीं, लेकिन ये स्तर है, लेवल है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, एक लेवल अनलॉक किया, दूसरा लेवल किया, ऐसे ये स्तर है जीवन के। अब जो मूलाधार चक्र है उस पे सभी लोग, आम लोग मूलाधार पे ही जीवित हैं। फूड एंड सेक्स, काम और भोजन, इसी के लिए लोग जीवित हैं, इसी के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्चते हैं। अभी आपकी कुंडलिनी इसी में लगी हुई है, इसलिए वो सोई हुई है। हट प्रदीपिका में ऐसे अभ्यास मिलते हैं, ऐसी मुद्राएं मिलती है जिससे कुंडलिनी जागे। उन सभी मुद्राओं की एक विशेषता है कि उन मुद्राओं में आपके मन में कोई विचार नहीं आ सकता, यानी कि आपका मन उस समय निर्विचार होता है। तो एक होश को मन प्राप्त करता है उस मुद्रा के क्षण, जो मुद्राएं हट प्रदीपिका में बताई गई हैं। स्वाधिष्ठान जो कि मूलाधार से ऊपर वाला चक्र है, अगर आप इनका अभ्यास करें, कुंडलिनी को जगाएं, तो स्वाधिष्ठान में कुंडलिनी जग कर आती है। स्वाधिष्ठान में ऐसा बताया गया है कि यहां पर कुंडलिनी आने के बाद व्यक्ति राग और द्वेष में पड़ जाता है, ऐसा शिव संहिता में इस चक्र का वर्णन किया गया है। यानी अभी तक व्यक्ति सिर्फ भोजन और काम वासना में लीन था, तुम देखते हो कि कुंडलिनी जग गई और अभी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। तो कुंडलिनी कुछ नहीं, बस ऊर्जा है जो अगले स्तर पे हमें लेके जानी है। और कुंडलिनी जगाकर मोक्ष को प्राप्त करना, मैं समझता हूं ये बिना बात के झंझट है। ऐसे मोक्ष को प्राप्त करना, आप सीधे सीधे पूर्ण रूप से होश में आकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फिर कुंडलिनी नाम का झंझट दे ही दिया है। तो मैं इस पर बोलता हूं कि स्वाधिष्ठान में आने के बाद व्यक्ति राग और द्वेष में पड़ जाता है। अब भोजन की और काम वासना की इतनी ललक उसे नहीं होती, कम भोजन पे जी लेता है और भोजन और काम वासना में वो आनंद लेना छोड़ देता है। आनंद अब आता है उसे प्रेम में, राग में, जिसे कहते हैं प्रेम शब्द ठीक नहीं, राग में, द्वेष में। ऐसा व्यक्ति होगा, बहुत डरपोक, आप ऐसे व्यक्ति को जानते भी होंगे जो भोजन वगैरह करना है या काम वासना में जिसका ज्यादा मन नहीं है, पर वो दुश्मनी करेगा तो दुश्मनी में मर मिट जाएगा, या किसी से राग कर लेगा तो उसमें मर मिट जाएगा। ऐसा वर्णन है कि जो स्वाधिष्ठान चक्र में जिसकी कुंडलिनी आ गई वो फिर राग और द्वेष में पड़ता है। आप ऐसे व्यक्ति को जानते भी होंगे जिसकी कुंडलिनी स्वाधिष्ठान में होगी, आसपास घूमते हैं ऐसे लोग, और ऐसे आप ऐसे एक व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जिसको देखते ही दोस्ती करने का मन करता है, ये उसकी सिद्धि हो गई। सिद्धियां और कुछ नहीं है, स्वाधिष्ठान से ऊपर है मणिपुर। मणिपुर चक्र में जिसकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक पहुंचती है वो व्यक्ति राजसिक हो जाता है, रजस प्रवृत्ति उसमें बढ़ जाती है, काम करने की, सारा दिन भर चलते रहने की। अब उसे राग द्वेष में आनंद नहीं आता, अब उसे काम वासना में भोजन में आनंद नहीं आता, अब उसे बस मेहनत करने में आनंद आता है। और ऐसा शिव संहिता में लिखा है कि वो जिसको छूता है सोना बन जाता है। अब भाई व्यक्ति मेहनत करेगा तो जिसको छुएगा सोना ही बना देगा। कुछ लोग इस प्रतीक को कि जिसको छूता है सोना बना देता है सिद्धि के रूप में ले लेते हैं कि जब कुंडलिनी जाग जाएगी तो हम जिसको भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा। अरे कोई बात हुई भला, कैसी मूर्खों वाली बात करते हो। ये सिर्फ एक प्रतीक मात्र है कि जिसको भी छुआ जाएगा, यानी जिसकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र में होगी वो व्यक्ति इतना मेहनती होगा कि वो अथाह पैसे कमाएगा। ऐसा लिखा है कि निधियों को प्राप्त होगा, निधियां यानी संपत्ति, धन। फिर उससे ऊपर आता है अनाहत चक्र।
अनाहत चक्र में ऐसा कहा गया है, व्यक्ति को दृष्ट और अदृष्ट आनंद प्राप्त होते हैं। अब आनंद उसे राग द्वेष का है नहीं, मेहनत करने का है नहीं, काम का और भोजन का है नहीं। तो अब जो आनंद उसे दृष्ट और अदृष्ट, यानी कि व्यक्ति जो देख रहा है उसकी सुंदरता को निहार सकता है और जो अदृष्ट है उसकी सुंदरता को निहार सकता है, जिसकी कुंडलिनी अनाहत चक्र में प्रवेश कर गई, वो एक आर्टिस्ट हो जाता है, एक कलाकार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। त्रिकालदर्शी यानी कि मैं उस व्यक्ति से कहूं कि मैं उस व्यक्ति को, यानी मैं कलाकार को जिसकी कुंडलिनी अनाहत चक्र में आ गई, मैं उससे कहूं कि आपको मैं एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है महात्मा गांधी। आपने देखा नहीं पर मैं आपको बता रहा हूं, वो इतिहास में था। मैं सिर्फ उसको बताऊंगा कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, और वो बिल्कुल उसको कलाकार ऐसे ही बना देगा, पेंट कर देगा। त्रिकालदर्शी है वो। मैं उससे कहूं भविष्य का समाज कैसा हो या भविष्य में क्या चीजें हो सकती हैं, तो एक कलाकार मेरे से बेहतर ये मुझे बता पाएगा। उम्मीद करता हूं आप जुड़ पा रहे हैं मेरे से। त्रिकालदर्शी का मतलब ये नहीं कि वो टाइम ट्रेवल करेगा, समय में गति करेगा। ये मूर्ख लोग व्याख्या करते हैं इसकी। ऐसे ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं। ऐसा कहा गया है अनाहत चक्र में जिसकी कुंडलिनी आएगी वो व्यक्ति दूरदृष्टि दूर श्रुति को प्राप्त होगा, यानी दूर की सुंदरता भी निहार पाएगा, दूर का सुन भी पाएगा। जो कला शब्दों के बीच कहीं दूर छुपी है, जो देखा गया है उसके बीच कहीं दूर है, उसको भी वो देख पाएगा। अनाहत के बाद बात की गई है जिसकी कुंडलिनी विशुद्धि चक्र पे आएगी। आप देख रहे हैं ये जीने के तल हैं। पहले व्यक्ति सिर्फ काम और भोजन के लिए जी रहा था, फिर वो राग द्वेष में पड़ गया। राग द्वेष में पड़ने के बाद उसमें मेहनत करने की प्रवृत्ति जागी, ऐसे ही उसको सिद्धियां भी मिलती चली जाएंगी। सिद्धियां कोई काल्पनिक नहीं कि वो हवा में उड़ने लगे। अब वो हवा में उड़ने भी लगे तो क्या हो जाएगा? दुखी व्यक्ति हवा में उड़कर भी दुखी रहेगा, लेकिन ये जीने के स्तर हैं। सिद्धियां कोई काल्पनिक नहीं, सिद्धियां बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल, कि वो बहुत मेहनत करेगा, हमसे इतनी ज्यादा मेहनत कर लेगा जिसकी कुंडलनी मणिपुर में होगी कि हम सोचेंगे इसको क्या सिद्धि प्राप्त है। मणिपुर में आने के बाद अनाहत, अनाहत की मैंने आपसे बात की, उसके बाद विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में कुंडलिनी के आने के बाद व्यक्ति पंडित हो जाएगा। पंडित कौन होता? पंडित होता जो शास्त्रों को, वेदों को बहुत अच्छे से बोल पाए, चतुरता से बोल पाए। ऐसा कहा गया है कि इस चक्र का जिसका जागरण हो गया, यानी जिसकी कुंडलिनी यहां आ गई विशुद्धि चक्र, उसके क्रोध से त्रिलोक भी कांपेगा। इसके बाद वाला चक्र कुंडलिनी मूलाधार से होते हुए विशुद्धि तक आई, इसके बाद आएगी आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में आने के बाद कहते हैं इसको थर्ड आई, यानी कि या तो व्यक्ति ऋषि हो जाएगा, अपने आप को जानेगा, या व्यक्ति एक वैज्ञानिक हो जाएगा, जीवन के रहस्य ढूंढेगा। शिव संहिता जो कि एक तंत्र का ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि इस चक्र के जागरण के बाद व्यक्ति को तंत्रों के सारे रहस्य अपने आप पता लग जाएंगे, अपने आप पता लग जाएंगे, यानी कि वो व्यक्ति एक वैज्ञानिक हो जाएगा, या अपने को जानेगा, या तो इस दुनिया को जानेगा तो बाहरी रूप से वैज्ञानिक हो जाएगा, अपने को जानेगा तो एक साधक हो जाएगा। और फिर जिसकी कुंडलिनी आज्ञा से सहस्त्रार पर आ गई, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब सहस्त्रार का बहुत इन्होंने शिव संहिता में बोला है कि सहस्त्रार में आने के बाद असीम आनंद होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आप देख रहे हैं कुंडलिनी बहुत ही व्यवहारिक चीज है, अगर ऐसे समझे तो। और सभी के पास ऊर्जा है, आपके पास ऊर्जा है, मेरे पास ऊर्जा है, सभी की कुंडलिनी, बहुत से लोगों की कुंडलिनी जगी हुई है और सभी उसी कुंडलिनी ऊर्जा का ही प्रयोग कर रहे हैं। कोई बहुत अलग ऊर्जा नहीं है जो हमें कुछ करके मिलेगी, बस इसे जगाने भर की बात है। जितना हम होश में हैं उससे थोड़ा सा और होश में आएंगे तो दूसरे चक्र पे आ जाएंगे, थोड़ा सा और होश में आएंगे तो तीसरे चक्र पे आ जाएंगे, जैसे ही हम वासना में पड़ेंगे तो चक्र से नीचे गिर जाएंगे। ये प्रतीक मात्र है, कहीं शरीर में मिलेंगे नहीं, तुम खोजो नहीं मिलेंगे। हो सकता है तुम महसूस कर पाओ इन चक्रों को, पर खोजने से मिलेंगे नहीं, सिर्फ प्रतीक मात्र है। अब कृष्णमूर्ति एक ऐसी ऊर्जा की बात करते हैं
जो हर ऊर्जा के स्रोत से परे है, ये ऊर्जा क्या है? मैं भी अपने अंदर एक ऐसी ही ऊर्जा को अनुभव करता हूं जो कभी खत्म नहीं होती। सुनने में लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी है भी, लेकिन उन अर्थों में नहीं जिन अर्थों में आप सोचते हैं कि आप एक कार को उठा देंगे, आप एक ट्रैक्टर को उठा देंगे। ये बेवकूफी वाले अर्थ हैं, ये मूर्खों वाले अर्थ हैं। ऊर्जा क्या है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती। जब इस ऊर्जा का अभाव होता तो हम भोजन करते। थकान क्या है? जब हमने ऊर्जा खर्च की हो तब थकान महसूस होती है। तो ये थकान क्या है? और जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं कि ये मिल जाए तो फिर व्यक्ति कभी थकेगा नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा के हर स्रोत से परे चला जाएगा, वो भोजन से परे चला जाएगा। तो हमें जानना होगा कि ऐसी कौन सी ऊर्जा है और ये थकान क्या चीज है। आप अगर दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए, तो आप खड़े हो जाएंगे कि अब मैं थक गया। आप बोलेंगे थकान अनुभव हो रही, सुबह कुछ नहीं खाया था। लेकिन तभी एक कुत्ता पीछे दौड़ पड़े तो आप तुरंत दौड़ पड़ेंगे। ये ऊर्जा कहां से आई? यानी कि थकान महसूस हो रही थी लेकिन अभी ऊर्जा थी। यानी थकान ऊर्जा का अभाव नहीं है, कुछ और चीज है। आप थककर चूर पड़े हैं कहीं घर से दूर और आपको खबर मिले कि आपका घर जल रहा है, तो आप तुरंत भागेंगे घर की तरफ, कितने ही थके हुए हों। तो ये ऊर्जा कहां से आई? यानी ऊर्जा आपके पास थी, थोड़ी बहुत आपने खर्च कर दी थी, तो आप बोले आप थक गए हैं। यानी थकान महसूस तो होती है लेकिन ऊर्जा का अभाव नहीं है, थकान कुछ और है। तो थकान क्या है? मैं इस पर अपना अनुभव कहना चाहूंगा कि थकान है आप अभी इस समय जो हो, आपका जो प्रेजेंट है, जो नाव है, NOW, उसके अगर विपरीत कोई विचार आपके मन में आए तो थकान होती। आप जरा सोचिए, आप बैठे हैं अपने दफ्तर में, कुछ काम कर रहे हैं और मन आपका है घर, मन आपका कहीं और की बातें कर रहा, मन आपका वहां आपके साथ दफ्तर में नहीं है, तो उस दिन दफ्तर में थकान आपको ज्यादा होगी। आप दफ्तर से घर आए, दफ्तर से घर आने के बाद आप अपने पसंदीदा खेल को खेलने में लग गए, कोई भी खेल हो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तो दफ्तर से आप थके हुए घर आए थे, लेकिन खेल खेलते हुए आपने थकान महसूस नहीं की, बल्कि खेल ने आपको और ऊर्जा से भर दिया, क्योंकि खेल आपका पसंदीदा था, खेल में मन भी वहीं था, खेल में आप भी वहीं थे। यानी थकान हमें तब होती जब मन में विचार जो हम कर रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता। और अगर विचार उसके विपरीत ना हो लेकिन विचार हो, मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है, मुझे ये काम करते हुए इतना समय हो गया, मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ विचार रहा है, तो भी थकान होगी लेकिन कम होगी। परंतु यदि एक ऐसी स्थिति को मैं प्राप्त हो पाऊं जिसमें कोई विचार मेरे मन में कोई भी काम करते हुए ना आए, तो मुझे जीवन में कभी थकान होगी नहीं। हो सकता है शरीर मेरा ऊर्जा के अभाव से गिर पड़े, बेहोश हो जाए, लेकिन थकान मैं महसूस करूंगा नहीं। धन्यवाद।